हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। फ्रेंड्स, 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे 30 डेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं टेंस। टेंस का नाम सुनते ही टेंशन होने लगता है, टेंस का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें सरल लगने लग जाएगी, और यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आज की क्लास को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और समझ लिया, तो इसके बाद कभी भी आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टेंस से सारी चीजें कनेक्ट करती है। तो चलिए आज समझते हैं हम टेंस को, और समझते हैं कि टेंस के कितने फॉर्म होते हैं और किस तरीके से इन सारे टेंस का यूज किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेंस। टेंस का ऐसे कहा जा सकता है टेंस को कि जो एक ऐसी एक्शन जो अपने साथ टाइम को रिप्रेजेंट करती है, अलग से वहाँ टाइम दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन वो सेंटेंस ही अपने आप में टाइम को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे मैं आपको जानता हूँ ये प्रेजेंट की बात लग रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये पास्ट जैसा लग रहा है। मैंने अभी खाना खा लिया है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई काम पूरा हो गया है। तो चलिए इस तरीके से हम समझते हैं कि टेंस ओवरऑल कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक टेबल के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट, दूसरा जो होता है पास्ट, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान की बात हो रही है, पास्ट मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है, फ्यूचर मतलब आने वाले समय की बात हो रही है। अब इसी को अगर हम और डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हर एक टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। हर एक जो टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्रेजेंट, इनडेफिनेट। ये इंडेफिनेट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला कौन सा बॉक्स है फ्रेंड्स? तो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला जो हमारा बॉक्स आता है वो ये होता है, ये वाला बॉक्स। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति कोई काम करता है। वे सारे सेंटेंसेस जिसमें हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, वे सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं जानता हूँ, वह समय पर आता है, हम समय से जाते हैं, वे मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं उसकी बात सुनता हूँ, मतलब वे सारे स्टेटमेंट्स जिनमें हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत आता है। वह सारे काम जिसमें कोई व्यक्ति कोई काम करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारे सामने पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। पास्ट इंडेफिनेट के अंतर्गत आते वे सारे सेंटेंसेस जिनमें हम बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। देखिए, ये दो को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं और मैंने जाना, मैं पूछता हूं और मैंने पूछा, मैं बताता हूं मैंने बताया। एक स्टेटमेंट प्रेजेंट का है, दूसरा स्टेटमेंट पास्ट का है, दोनों इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, पास्ट इंडेफिनेट मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, और फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। तो ये तीन स्टेटमेंट ये इंडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, पास्ट इंडेफिनेट मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया या पास्ट में कोई घटना घटी, या पास्ट में कोई घटना घटी। पास्ट में कैसे घटना घटी? उसने पूछा, मैंने बताया, वे आए, हम लेट हो गए, लाइट चली गई, मतलब ये सारे क्या है? पास्ट इंडेफिनेट वाले हैं, जो कि पास्ट की इंसिडेंट को बताते हैं, पास्ट की घटना को बताते हैं, अथवा यह बताते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। तीसरा जो है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति फ्यूचर में कोई काम करेगा। अब देखिए, यहां से आगे जो हम बात बताने वाले हैं इसमें टेंस में ट्विस्ट आता है। टेंस में ट्विस्ट कैसे आता है? जिस चीज को हम काफी कंफ्यूजन भरा समझ रहे हैं, जिस चीज को काफी हम कंफ्यूजिंग और प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं, वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कैसे समझेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जब मैं लिखता हूं कॉन्टिन्यूअस,
यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ कॉन्टीन्यूअस, तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, चल रहा है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, चल रहा है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है, जारी है। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होगा कि प्रेजेंट में चल रहा है या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। आप इस बात पर नहीं जाएंगे कि रहा है, रही है, आ रहा है, आप इस चीज को समझेंगे कि प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जब प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखेंगे, चाहे उसमें रहा है, रही है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमने कहा है कि वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ है, इट मीन्स द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स द एक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब सोया हुआ है मतलब वह सो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि वे सारे एक्शंस जिसमें कोई काम चल रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, वह किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, नाम ही बता देता है आपको, नाम ही बता देता है कि टेंस किस तरीके से। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था, मतलब कोई काम चल रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था या पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा या फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, उसे हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नाम से स्पष्ट हो रहा है फ्रेंड्स, जिस दिन आप हिंदी में समझ में आ गया, इंग्लिश में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जिस दिन के नाम समझ में आ गए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है, नाम से स्पष्ट हो जाता है। नाम समझ में आ गए तो सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब करता है, पास्ट इंडेफिनेट मतलब किया, फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कर रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगा एक्शन या फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा। अब अगला देखेंगे, अगला और भी अधिक सरल है अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो। अगला है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा एक्शन है वह है परफेक्ट, वह है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब जो पूरा हो चुका है, परफेक्ट मतलब जो पूरा हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कहेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका है, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है, पूरा कर लिया है, कैसे, मैंने खाना खा लिया है मतलब पूरा हो गया है, उसने मुझे बता दिया है मतलब पूरा हो गया है, मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ मतलब ये एक्शन नहीं पहुंचने वाला एक्शन पूरा हो गया है, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका था, पूरा हो चुका था, किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था या कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका था, कोई काम कर लिया था या कोई काम कर चुका था। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई काम हो चुका था, किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था। पास्ट में फ्यूचर, फ्यूचर में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हिंदी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में आप हिंदी सेंटेंस लिख सकते हैं। सर हिंदी तो हम तो इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, अगर यह समझ में आ गया तो फिर आगे की प्रोसेस बड़ी ही सरल है, बड़ी ही आसान है, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि टूडे आई एम गोइंग टू टेल इट इन अ वेरी इजीएस्ट वे, सबसे सरल तरीके से मैं सारी चीज़ आज बताने वाला हूँ। तो आई होप यू विल एंजॉय द सेशन, आप बने रहिएगा, सेशन को एंजॉय करते रहिएगा, समझते रहिएगा, काफी चीज हमको समझने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक हिंदी अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं। जैसे जब मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, अब देखिए कोई सा भी स्टेटमेंट हम बोलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आप ये मान करके चलिए कि सारे जितने भी स्ट्रक्चर लिखेंगे सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट लिखने वाले हैं। अब बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी, तो चलिए सभी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात आती है फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास रहेगी डू एंड डज। क्या रहेगी, डू एंड डज। चूंकि जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। सर ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न है, किसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाए, किसके साथ एस या ई एस लगाए। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने दो कैटेगरीज उसमें बनाई है कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ ऊपर वाला मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ नीचे वाला मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। इसको और कैटेगराइज करना हो तो मैं आपके लिए थोड़ी सी हिंट स्वरूप जो यहाँ पर लिख करके दे देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न बना रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर चीज आ रही तो आई वी यू दे एंड प्लूरल, ये कैटेगरी ऊपर वाली रहेगी, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एंड ही शी इट नेम सिंगुलर, ये कैटेगरी नीचे वाली रहेगी, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस करना है। कब, जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है। जैसे मैं जानता हूं तो आई और नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं जानता हूं आई नो, लेकिन मुझे कहना है कि वह जानता है तो ही नोज आएगा। क्यों नोज आएगा, क्योंकि हमने कहा है कि आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का भी यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, बड़ा ही काम का स्ट्रक्चर है, बड़ा ही यूजफुल स्ट्रक्चर है, इसमें ध्यान रखेंगे हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। जैसे मैंने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने बताया, आई टोल्ड, वे आए, दे केम, हम गए, वी वेंट, उन्होंने खाना खाया, दे एट फूड, मतलब इस तरीके जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं सभी में पास्ट इंडेफिनेट का यूज हम करते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। फ्यूचर की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना सभी के साथ आपको विल या शेल लगाना है, अभी कॉमनली सभी के साथ विल का यूज होने लग गया है तो विल का यूज करेंगे, प्लस कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो यहाँ पर हमको यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। दूसरा कॉन्टिन्यूस, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कॉन्टिन्यू की जब भी बात होती है तो हम लगाते हैं इसके साथ बी वर्ब और बी के साथ लगाते हैं आई एन जी। कॉन्टिन्यूस की जब भी बात होगी तो बी के साथ आई एन जी लगाते हैं। अब बी का मतलब क्या, तो बी का मतलब होता है प्रेजेंट की, जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की बात करें तो बी का मतलब होता है एम इज और आर, बी का मतलब होता है एम इज आर, और इसके साथ हम लगाते हैं, इसके साथ हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वर्ब का आई एन जी फॉर्म। मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कौन कर रहा है, आई के साथ एम लगाएंगे, वी यू दे की यहाँ डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर देंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, वी यू दे प्लूरल के साथ आर का यूज़ करना है, और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ करना है। तो कर रहा है, जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो एम इज़ आर के साथ आई एन जी लगाना है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वह आ रहा है, ही इज़ कमिंग, सर पढ़ा रहे हैं, सर इज़ टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। इट मीन्स जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, मींस प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो वहां पर हम बी वर्ब के साथ आई एन जी, इट मीन्स एम इज आर के साथ आई एन जी का यूज करते हैं। एम इज आर के साथ जब भी आई एन जी आएगा तो इसका मतलब होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। दूसरा अगला जो आता है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करने वाले हैं वॉज एंड वर।
वॉज एंड वर्क का यूज़ करेंगे। जब भी हमें पास्ट में बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है वॉज एंड वर्क, और उसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं, उसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं वर्ब का आई एन जी फॉर्म। मैं जा रहा था आई वॉज गोइंग, मैं आ रहा था आई वॉज कमिंग, सर पढ़ा रहे थे सर वॉज टीचिंग, तो वॉज वर्क के साथ आई एन जी फॉर्म यूज़ करना है। एक्शन को समझेंगे, कॉन्टीन्यूअस मतलब प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूअस है तो एम इज आर के साथ आई एन जी आएगा, पास्ट में कॉन्टीन्यूअस है तो वॉज वर्क के साथ आई एन जी आएगा। अब फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कि विल हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो फिर हम बी के साथ आई एन जी डायरेक्ट लिख देते हैं, तो विल प्लस बी प्लस आई एन जी। तो इस तरीके से फ्यूचर में जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विल बी के साथ आई एन जी। ही विल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग, शी विल बी कमिंग, मतलब वह आ रहा होगा, वह आ रही होगी, तो विल बी के साथ आई एन जी का हम यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, पास्ट इंडेफिनेट मतलब किसी ने कोई काम किया, फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। अंग्रेजी सेंटेंस की बात आएगी, इंग्लिश स्टेटमेंट्स की बात आएगी, तो करता है में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस आई एस लगाना है, किया में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, करेगा में क्या लगाना है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है बी के साथ आई एन जी। अब आप जानते हैं कि बी का मतलब होता है एम इज आर वॉज वर, बी का अर्थ क्या होता है एम इज आर वॉज वर। प्रेजेंट में बी मतलब एम इज आर के साथ आई एन जी, पास्ट में बी वर्ब मतलब वॉज वर के साथ आई एन जी, फ्यूचर में विल हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ इसलिए बी के साथ आई एन जी डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम बात कर रहे होते हैं परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा हो चुका है। जब हमको बताना हो कि कोई एक्शन पूरी हो चुकी है, किसी व्यक्ति ने कोई काम पूरा कर लिया है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करें तो हैव के साथ आपको वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगाना है, हैव के साथ आपको वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगाना है। अब हैव के साथ आई एन जी कैसे, तो हैव के साथ आई एन जी में होगा कि प्रेजेंट में जब हम हैव या हैज को लिखते हैं, हैव को लिखते हैं तो हैव के साथ हैज भी लिखते हैं, और उस हैव हैज जब भी आएगा, सॉरी हैव या हैज जब भी आएगा तो ध्यान रखना कि हमेशा हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। हैव और हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। कहीं पर भी हैव हैज हेड आता है इंग्लिश ग्रामर में, पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी हैव हैज हेड आता है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करेंगे कि प्रेजेंट में कोई काम कर चुका है तो हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका था, जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका था तो वहाँ पर हम हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्यूचर की बात अगर हम करेंगे तो फ्यूचर में हमने विल ऑलरेडी लगा दिया है तो विल के साथ हम हैव, और हैव के साथ आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाते हैं। प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगाते हैं, पास्ट में किसी ने कोई काम किया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, फ्यूचर में कोई काम करेगा तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कॉन्टीन्यूअस की जब भी बात आएगी तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस मतलब एम इज आर के साथ आई एन जी लगाना है, पास्ट में कॉन्टीन्यूअस था मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था तो वॉज वर्ब के साथ आई एन जी लगाना है, फ्यूचर में कॉन्टीन्यूअस होगा मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा तो वहां पर विल बी के साथ आई एन जी का यूज करना है। इन द सेम वे परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई एक्शन कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है तो वहां पर हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट की बात करेंगे तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट में पूरा हो चुका था, और फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा मतलब विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास बचता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसको नाम क्या देते हैं हम, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान रखेंगे, जब कोई एक्शन परफेक्ट समय से तो परफेक्ट के लिए हैव हैज का यूज़ करते हैं, और कॉन्टीन्यूअस के लिए अभी हमने पढ़ा है कि बी लगाते हैं, चूंकि हैव हैज के साथ बी का यूज़ नहीं करता किया जाता इसलिए बी लगाते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा हैव हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड आईएनजी फॉर्म, सॉरी बीन आया मतलब आईएनजी आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर की बात होगी मतलब विल लगाना है और विल हैव बीन प्लस
वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सर हिंदी मीनिंग तो बताया नहीं। अरे भैया नाम से ही स्पष्ट है, जब कोई एक्शन परफेक्ट समय से, जब कोई काम परफेक्ट समय से कॉन्टीन्यूअस है, मतलब जब कोई काम पिछले किसी निर्धारित समय से अभी तक चल रहा है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। इन द सेम वे जब हमें बताना हो कि कोई एक्शन कोई काम पास्ट में, परफेक्ट समय से कॉन्टीन्यूअस था या थी, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूअस का। और फ्यूचर में भी एक फिक्स्ड समय से, परफेक्ट समय से फ्यूचर में कॉन्टीन्यूअस होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो जब भी हमें किसी एक्शन के बारे में बताना हो कि कोई काम किसी पिछले किसी निश्चित समय से चालू होकर के अभी तक चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होगा। जब कोई कार्य पास्ट के किसी समय से चालू होकर के अभी तक कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, और फ्यूचर में किसी समय से फ्यूचर में चल रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। तो आई होप आप यू एंजॉयड द सेशन, आपको ठीक ठाक लगी होगी जानकारी। अगर जानकारी ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो टेंस के बारे में हमने जो एक प्रैक्टिस के लिए ये जो टेबल पढ़ी है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे हम एक एक को स्ट्रक्चर को लेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक ठाक लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।